नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश दोंगन छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले से। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषय पर, बीमारी पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे असील पैरोटनोस लॉन्ग टेल की मुर्गी है, जिसे हमने बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगाया हुआ है। इसके आने के पश्चात जस्ट हमारे फार्म में जैसे ही आया, मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, तो छत्तीसगढ़ में 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में काफ़ी ज़्यादा मौसम में परिवर्तन आया है, जिसके कारण मुर्गी की स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। और एक दो दिन पहले ही ये मुर्गी को हमने एक्सपोर्ट करके मंगाया हुआ था, जिसके कारण मुर्गी काफ़ी स्टेज में भी थी। जस्ट आने के पश्चात मौसम में भी परिवर्तन आया, जिसके कारण मुर्गी काफ़ी बीमार हो गई है और यह दाना पानी खाना जो है बंद कर दी है। चुपचाप अपने जगह पर आंख बंद करके खड़ा हो गई है और हमने इसे मेडिसिन देकर के देख लिया है, परंतु इसके स्वास्थ्य में कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फाइनली हमने यह डिसीजन लिया कि इस मुर्गी को हम इंजेक्शन दे करके देखते हैं। हम आज बात करेंगे कि सीआरडी, इस मुर्गी को जो सीआरडी हुआ है, सफ़ेद बीट कर रही है, आंख बंद करके खड़ा हो गई है और जो है दाना पानी खाना जो है बिल्कुल बंद कर दी है। तो इसके लिए हम इंजेक्शन यूज करेंगे। इंजेक्शन में हम इंड्रोप्रोक्सासिन इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रांड नेम कुछ भी ले सकते हैं, याद रहे कंपोजिशन इंड्रोप्रोक्सासिन है, जिसे हम 0.25 ml ले रहे हैं। देखो, हम तीन जगह इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके जांग पे, उसके पर पे और तीसरा जो है उसके सीने पे, जहाँ पे मांस रहता है। हम जो है इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हम उसके सीने पे इंजेक्शन लगाएंगे 0.25 ml, क्योंकि इस जगह इंजेक्ट करने से मुर्गी के जो है स्वास्थ्य में काफ़ी जल्दी सुधार आएगा। और इंजेक्शन लगाने के पश्चात उस जगह को हम थोड़ा मालिश कर देंगे, ताकि जो है मेडिसिन उसके शरीर में जल्द से जल्द फैलने पाए। और अब हम देखते हैं दो दिन बाद हमारी जो है मुर्गी काफ़ी स्वस्थ हो गई है, पहले के अपेक्षा काफ़ी चंचलता आ गई है और दाना पानी खाना जो है स्टार्ट कर दी है। तो ये था सीआरडी का ट्रीटमेंट। सीआरडी में हम कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे, उस पर ये आज की जानकारी था, जिससे जो है हमारी मुर्गी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने पाएगी और मोर्टिलिटी से हम अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।